हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से विविध कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, राज्य के 8 जिलों में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई इंसेफ्लाइटिस एवं दस्तक अभियान की मंडलीय समीक्षा बैठक। इंसेफ्लाइटिस के लक्षण, कारक तथा उसके बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने के दिए निर्देश। कहा, नहीं होने दी जाएगी किसी भी बच्चे की इंसेफ्लाइटिस से मौत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज में नव निर्मित नवजात शिशु के वार्ड का किया उद्घाटन। नव निर्मित 100 बेड वाले इंसेफ्लाइटिस वार्ड का भी किया निरीक्षण। कहा, बेहतर चिकित्सा सुविधा और जागरूकता के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस को करना है जड़ से समाप्त। पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से महापौर ने किया विभिन्न व्यापारी संगठनों के साथ बैठक। प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने के लिए पॉलीथीन का उपयोग नहीं किए जाने की अपील। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगाए जनता दरबार। समस्याओं के निस्तारण के लिए मंदिर परिसर में जनता की उमड़ी भीड़। दस्तक अभियान 2 के तहत निकाली गई जन जागरूकता रैली। कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, घर घर दस्तक देगी आशा बहुएं। 8 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का अनिश्चितकालीन धरना नगर निगम पार्क में रहा जारी। रेलवे प्रेस बंद होने के विरोध में दोपहर लंच के दौरान नरमू ने किया एक दिवसीय अनशन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग में शोध कार्य आरंभ किए जाने सहित कुल 10 सूत्रीय मांग को लेकर छात्रों के एक गुट ने सोमवार को कमिश्नर कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से किया विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन। और जिला फुटबॉल लीग में धर्म स्पोर्टिंग ने डीपी स्पोर्ट्स को 2 के मुकाबले 0 के अंतर से दी शिकस्त। जबकि खुखरी क्लब और स्टार स्पोर्टिंग पीपीगंज का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा।